मतलब कि ठीक है, मुझे पता था कि ठंड होगी, सांस में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी ठंड होगी ना। मतलब ऊपर से मैं हाफ स्लीव पहना आया हूँ, लेकिन इतने जब खूबसूरत व्यू हो ना, तो फिर ये चीज़ें देखी नहीं जाती। जी सुनती कानों देखती आंखों को मेरा सलाम, और पाड़ा चिनार की गलियों से हम आपको सुबह बखैर कहते हैं। पाड़ा चिनार का मतलब क्या है? पाड़ा का मतलब है पत्ता, और चिनार ये दरख्त है, इसको हम चिनार कहते हैं। अब पाड़ा चिनार के हालात कुछ इस तरह से बिगड़ना शुरू हुए कि 2001 में जब फाटा में तालिबान की अपराइजिंग हुई, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इन्होंने लश्कर बना के अपने आर्मी के साथ उनके खिलाफ रेजिस्टेंस की, और जब उनको इस महाज में नाकामी मिल गई तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे फिरका वारियत की जंग छेड़ दी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जंग इनकी जाहिलियत की वजह से हुई है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे लिटरेसी रेट 90-95% है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इस फिरका वारियत से पहले हालात यहाँ पे बहुत अच्छे हुआ करते थे, और इवन के आपस में सुन्नी और शिया के रिश्ते भी हुआ करते थे। लेकिन जब ये लड़ाई छिड़ी, जब हालात ख़राब होना शुरू हुए, तो इवन के जो रिश्ते पहले थे वो भी, उनमें भी दरारें आना शुरू हो गई और रिश्ते भी टूट गए। लेकिन अब पिछले 3 साल से हुकूमत और पाक फौज की कोशिशों से ये लड़ाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, और सब रास्ते क्लियर हो चुके हैं। सिक्योरिटी इंतजाम भी भरपूर हैं, बेहतरीन हैं, और इसलिए अब आप यहाँ पर बिल्कुल सुकून और अपने आप को महफूज समझ के यहाँ पर विजिट कर सकते। और जो पिछले ब्लॉग में आपको मैंने समाना का एरिया दिखाया था, वो एक हिल स्टेशन है जहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 2 घंटे का पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ता है, और वहाँ की खूबसूरती तो आपने फिर पिछले ब्लॉग में देख ही ली थी। अब पाड़ा चिनार दिखाते हैं आपको, चलें फिर चलें। जो भी आपने हिस्ट्री सुनी है, आपको पता है मेरी सोशल स्टडीज़ बहुत वीक है। दिस स्क्रिप्ट वॉज ब्रॉट टू यू बाय ये कोई अजीब ही क्रिएचर है। इतनी खूबसूरत अंगी कहाँ से लगाई है? ए मड़चिनार से लिए। और ये है कुरम वैली का हाथ से बनाया हुआ एक नक्शा, जिसमें कोहे सफ़ेद से लेकर थल तक का सारा रास्ता तफसील के साथ मौजूद है। खैर, हमने नाश्ता किया और चल दिए बॉर्डर की जानिब। रास्ते में कुछ खूबसूरत मनाजिर देखकर हमारे असमार भाई को जोश चढ़ा, और वो खारदार तारों को फलांगते हुए तस्वीर लेने निकल पड़े। हेलो गाइस, हेलो हेलो, नो नो नो, सॉरी सॉरी, ओ इसको पकड़ो यार, इधर मुंह करो ना, तस्वीर लेनी है। बात सुनो, ओ परवेज, अबे किधर भाग रहे हो? ये है कोहे सफ़ेद जनाब, ये नहीं, ये मशहूर परा चिनार, ज़्यादा इसकी वजह से भी है। ये जो मेरे पीछे आप पहाड़ी सिलसिला देख रहे हैं, बर्फ़पोश पहाड़ों का, इनको कोहे सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है। इनमें एक माउंटेन है जो सबसे ज़्यादा ऊंची है, जिसकी कुल हाइट 6,300 मीटर है। कोहे सफ़ेद उसका नाम है, उसके नाम पे इस पूरे पहाड़ी सिलसिले का नाम रखा गया। ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की ड्यूरेंट लाइन भी है। ये सरहद है जो मुतय्यन की गई कि इसके उस पार अफ़गानिस्तान और इस पार पाकिस्तान होगा। बाकायदा मुतय्यन नहीं थी, अब पाकिस्तान की फ़ौज यहाँ पे फेंसिंग का काम करके बॉर्डर को सील कर रही है। और ये जो पीछे पहाड़ हैं, इन पे फेंस लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल और जान जोखों का काम है, लेकिन जवान ये काम अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया। ये ऐसी रिसर्च मुझे अगर करने की आदत हो जाए ना, तो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिला करेगी।
ابھی ہم بارڈر جا رہے ہیں باقاعدہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر. بھاگنا نہیں ہے, تمہاری تصویر لینے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ اچھی تصویر لوں گا بڑی, فیس بک ڈی پی. ہاں ایسے ایسے بالکل ایسے. جانی تو جگر ہے پتہ ہے. ہاں اب کھاتے جی, میں کھاتے ہوئے لیتا ہوں بالکل ایسے. یار واہ یار, تھینک یو, لو یو. پانی کلا خوش ہو رہا تھا. کیسے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اردو نہیں آتی تمہیں؟ اردو آتی ہے تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ کا؟ اتنے پیارے کیوں سارے؟ تو پھر بھی اتنے پیارے ہیں. آپ کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ آپ بتاؤ. سارے فوجی بنو گے آپ؟ آپ سارے یہاں تو فوجی کھڑے ہوئے. آپ کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ فوج پتا بھی ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کو دیکھ کے بولی جا رہی ہوں. آپ کو پتا فوج کیا ہوتی ہے؟ پاؤ جی. چلو اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. اوکے اللہ حافظ. اے وطن وطن میرے آباد رہے تو, اے وطن وطن میرے آباد رہے تو, اے وطن وطن میرے آباد رہے تو, میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو, میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو, اے وطن میرے وطن, اے وطن میرے وطن. تو ہی میری منزل ہے پہچان تجھی سے, لو جی ہمارا ڈرون اس وقت پرواز کر رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر. فینس کے اس پار پاکستان ہے اور اس پار افغانستان ہے. اور پھر گوی بارڈر پر ہم نے ایک یادگار تصویر بنوائی اور اس ولاگ کا لگا دیا ہم نے فل سٹاپ. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. فی امان اللہ. تمام ویڈیوز بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں. ویڈیو زیادہ دیکھنے ہو تو سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں, نوٹیفیکیشن کے بیل بٹن کا استعمال کریں. وزارت صحت حکومت ہارڈ بائے واصف. جی میری جان. جی میں ٹھیک ہوں, آپ بتاؤ. یار سگنل ہی نہیں ہے, ابھی بھی میں بڑا مشکل سے ملے ہیں آپ کو, پتا نہیں کیسے مل گئے. سگنل ہی نہیں ہے, سگنل ہی نہیں ہے, نہ نیٹ ہے نہ سگنل ہے. میں بھی کر لیتا ہوں.